क्या आप लोग भी मेरी तरह YouTube पर लोन वाली वीडियो देख देख कर थक गए और अभी तक आपको एक भी जगह से लोन नहीं मिल पाया, तो अब आपका इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको आधार कार्ड के द्वारा सिर्फ एक क्लिक में इंस्टेंट लोन दिलवाऊंगा, वो भी 500 से लेकर 50,000 रुपए तक इंस्टेंट। प्रूफ आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हो, सिर्फ आधार कार्ड के द्वारा एक क्लिक में आपको 500 रुपए से 50,000 रुपए तक इंस्टेंट लोन दिलवाऊंगा। वो आपके सिविल पर डिपेंड करेगा कि आपको कितना लोन मिलेगा। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां पर एक लिंक दे दिया हूं, लिंक से इस वाले ऐप को डाउनलोड करना है। इसके बाद आपके पास पैसा ही पैसा होगा। लिंक से ऐप को डाउनलोड करो, इंस्टॉल करो और ओपन करो। ओपन करने के बाद आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना है, हिंदी या इंग्लिश, तो मैं इंग्लिश के साथ कंटिन्यू करूंगा। फिर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, हम लोग थोड़ा सा वेट करेंगे, नेक्स्ट 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 करते जाएंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर एंटर करना है, फिर मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करके नेक्स्ट कर देना है। फिर कुछ इस तरह के इंटरफेस के साथ में आपका ऐप ओपन हो जाएगा। यहां पर आपको गेट अ लोन विद इन मिनट्स पर क्लिक कर देना है, फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहां पर आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है, अलाउ एक्सेस पर क्लिक करना है, यहां पर अलाउ अलाउ करते जाना है, जितना भी अलाउ परमिशन आपसे मांगा जाए सभी को अलाउ कर देना। फिर यहां पर देख सकते हो पैन सेल्फी इनकम डिटेल्स का पेज आ जाएगा, नीचे कंटिन्यू बटन है, कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करते ही आपको यहां पर अपना पैन डिटेल्स इंटर करना है, जैसे पैन नंबर इंटर करके यहां पर वेरीफाई कर देना, नीचे एक छोटा सा बॉक्स है उसे टिक करके वेरीफाई करना, तो आपका पैन वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद कैप्चर सेल्फी का पेज ओपन होगा, कैप्चर सेल्फी का बटन है, कैप्चर सेल्फी पर क्लिक करके परमिशन को अलाउ करके यहां पर कैप्चर नाउ का बटन आपको देखने को मिलेगा, एक अच्छा सा सेल्फी कैप्चर कर लेना है। कैप्चर करोगे उसके बाद सबमिट का बटन देखने को मिलेगा, आपको यहां पर सबमिट कर देना है। सबमिट करते हैं, थोड़ा सा वेट करना है, फिर आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा। देख सकते हो यहां पर दो ऑप्शन है, प्रोसीड टू ओटीपी वेरिफिकेशन और अपलोड आईडी कार्ड। अपलोड आईडी कार्ड में मैनुअल है और ओटीपी वाला सेलेक्ट करोगे तो ये आपको डिजी लॉकर के पेज पर लेकर चला जाएगा। यहां पर आपको सिंपली आधार नंबर एंटर करना है, आधार से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तो आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा, ओटीपी एंटर करके आप इसे वेरीफाई कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोगों का आधार से मोबाइल लिंक नहीं रहता है और डिजी लॉकर पर अकाउंट भी नहीं होता, इसलिए हम इस वाले ऑप्शन को स्किप करेंगे और बैक आ जाएंगे यहां पर, और फिर मैनुअली यहां पर आधार कार्ड को अपलोड करेंगे। मैनुअली आधार कार्ड अपलोड करने के लिए चलो सिंपली यहां से हम लोग बैक हो जाते हैं, ओके। और यहां पर हमें ये वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, अपलोड आईडी कार्ड को। फिर हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, यहां पर आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड दो ऑप्शन मिलेगा, आधार कार्ड को सिलेक्ट करेंगे, फिर यहां पर नेक्स्ट करेंगे और फिर यहां पर परमिशन अलाउ कर देंगे, ओके। परमिशन ओके करने के बाद यहां पर सबसे पहले आधार कार्ड का फ्रंट साइड का फोटो क्लिक करेंगे, फिर यहां पर बैक साइड का फोटो क्लिक कर देना है अच्छे से आपको, ओके। क्लिक करके सबमिट भी करना है, सबमिट करते जाओगे बैक साइड और फ्रंट साइड, उसके बाद यहां पर सेल्फी का पेज ओपन होगा। चलो इसे भी हम लोग सबमिट कर देते हैं, बैक साइड का है। सबमिट करने के बाद वर्किंग ले रहा है, हमें थोड़ा सा वेट करना है। फिर सेल्फी का पेज ओपन होगा, दोबारा से हमें यहां पर अच्छे से एक सेल्फी कैप्चर करना है, कैप्चर नाउ का बटन पर क्लिक करके, और फिर इस सेल्फी को भी यहां पर सबमिट कर देना है। सेल्फी सबमिट हो रहा है, तब तक आप लोग प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो, और वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना, वरना आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा और आपको लोन भी नहीं मिल पाएगा। तो यहां पर इजीली हम लोग सेल्फी को सबमिट कर चुके हैं, देख सकते हो। इसके बाद में ऐड पर्सनल डिटेल्स का पेज ओपन हो जाएगा, आधार कार्ड का नेम आपको देखने को मिलेगा, फिर आपको पैन कार्ड का नेम यहां पर एंटर करना है, आधार और पैन में नेम सेम होना चाहिए, सेम स्पेलिंग यहाँ पर एंटर करना। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ, फिर जेंडर, फिर यहाँ पर एड्रेस, पिन कोड, स्टेट, फिर यहाँ पर यस और नो रहने देना, फिर ईमेल एड्रेस यहाँ पर एंटर करके, नीचे आई एग्री का बटन है, छोटा सा बॉक्स है, इसे टिक कर देना, ओके आई एग्री वाला। फिर यहाँ पर कंटिन्यू का बटन है, कंटिन्यू कर देना। कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पर देख सकते हो इनकम डिटेल्स का पेज ओपन हो चुका है, यहाँ पर हम लोग सेल्फ एम्प्लॉयड को सेलेक्ट करेंगे, और फिर आप चाहो तो ज़्यादा लोन लेना चाहते हो तो 20,000 और एबव सेलेक्ट करना, मैं 10,000 से 19,999 सेलेक्ट करूंगा और कंटिन्यू कर दूंगा। आपको ज़्यादा चाहिए तो 20,000 से एबव यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना। इसके बाद में हमें बैंक नेम डालना होगा, जिस भी बैंक में हमें लोन लेना है, लोन का पैसा लेना है, मान लो कि मुझे स्टेट बैंक में लेना है तो स्टेट बैंक यहाँ पर सेलेक्ट कर लूँगा। फिर यहाँ पर अकाउंट नंबर इंटर कर देना है, ओके, और नीचे सबमिट का बटन है, सबमिट कर देना है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, अगर आप सैलरी पर्सन हो तो सैलरी सेलेक्ट करना और कोशिश करना कि 20,000 से ज़्यादा का इनकम आप दिखाओ, जिससे कि आपको ज्यादा पैसा मिल सके। मैं ज्यादा नहीं लेना चाहता हूं, इसलिए 10,000 से 19,999 सेलेक्ट किया था। हाँ, तो देख सकते हो यहां पर हमारा बैंक डिटेल सबमिट हो चुका है और यहां पर फाइनली हमें 500 रुपए का लोन मिल चुका है। यहां पर प्रिंसिपल 500 दिखा रहा है, कंटिन्यू का बटन है, कंटिन्यू करेंगे तो हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। चलो यहां पर मैं कंटिन्यू कर देता हूं, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। देख सकते हो प्रिंसिपल 500, ओके, और यहां पर सेलेक्ट लोन टर्म, आपको 31 दिन के लिए चाहिए या 62 डेज के लिए चाहिए, यानी एक महीने के लिए चाहिए, दो महीने के लिए चाहिए, आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैं सिंपली 62 डेज को सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि वहां पर भी उतना ही इंटरेस्ट लग रहा है, 8 या 10 रुपए का फर्क होगा। अगर एक महीने का आप लोन लेना चाहते हो तो 8 से 10 रुपए का अंतर आ रहा है, तो सिंपली मैं 2 मंथ को यहां पर सेलेक्ट करूंगा और कंटिन्यू करूंगा। तो यहां पर लोन ऑफर 500 रुपीज, ओके, सेलेक्ट लोन टर्म 62 डेज। यहां पर देख सकते हो प्रोसेसिंग फी और GST 59 रुपए कट जाएंगे हमारे प्रिंसिपल अमाउंट से। प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 500 का, ओके, 500 में से मान लो 59 रुपए चले गए तो हमें मिलेगा कितना 441 रुपए, ओके। डिसबर्समेंट अमाउंट में आप लोग देख सकते हो 441 रुपए हमें मिलेगा, और इसे वापस कैसे करना है 2 महीने के अंदर, और टोटल कितना वापस करना है तो 34 रुपया यहाँ पर इंटरेस्ट आ रहा है, ओके। तो 534 रुपये 500
34 रुपीज यहाँ पर हमें रिटर्न करना होगा 2 महीने के अंदर। ओके, इंस्टॉलमेंट यहाँ पर दिया गया है 2 मंथ का, देख सकते हो 267 रुपये करके हमें 2 बारी में पे कर देना है। यहाँ पर कंटिन्यू का बटन है, कंटिन्यू कर देंगे। लोन ऑफर समझ में आ चुका है, कंटिन्यू का बटन है। 62 डेज सेलेक्ट करके यहाँ पर कंटिन्यू करूँगा। ओके चलो यहाँ पर कर देता हूँ। फिर हमें कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर सब कुछ आप लोग देख सकते हो। अगर आपने यहाँ पर सैलरी या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड में 20,000 से ज़्यादा सेलेक्ट किया होता तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको 2,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक का लोन मिल जाता है। किसी किसी को 50,000 रुपये तक मिला है, लेकिन वो लोग सैलरी पर्सन थे जिनका इनकम ही 1,00,000 रुपये से ज़्यादा था। तो यहाँ पर सारा डिटेल्स हमारा आ चुका है, यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। बैंक डिटेल्स भी हमें देखने को मिल जाएगा, इसे भी अप्लाई कर देंगे। ये वर्किंग करेगा, यानी हमें थोड़ा सा वेट करना है, वर्किंग कर रहा है, बस हमें थोड़ा सा सब्र रखना है। फिर यहाँ पर यूज़र लोन एग्रीमेंट का पेज आएगा, आपको वही डिटेल्स देखने को मिलेगा जो थोड़ी देर पहले देखने को मिल रहा था कि हमारा प्रिंसिपल इतना है, GST प्रोसेसिंग फी इतना कट रहा है, हमें इंटरेस्ट इतना देना है। तो ये सारा कुछ पढ़ने के बाद आपको नीचे आई हैव रीड एंड आई अंडरस्टैंड का एक छोटा सा बटन देखने को मिलेगा, इस पर टिक करना है। और नीचे एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू का बटन है, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर देना है कुछ इस तरीके से। चलो फटाफट से हम लोग एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू कर देते हैं। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा वेट करना है। अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो देख सकते हो एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू हमने कर दिया है और यहाँ पर फाइनली हमारा जो लोन था वो अप्रूव हो चुका है। थैंक्स यू फॉर अप्लाइंग फॉर अ लोन। और यहाँ पर हमें 12 घंटा वेट करने को बोला जा रहा है, लेकिन मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो यहाँ पर 12 घंटा नहीं वेट करना पड़ेगा, 1 घंटे के अंदर ही आपका लोन यहाँ पर अप्रूव हो जाता है। चलो मैं यहाँ पर आपको प्रूफ दिखा देता हूँ जिससे आपको ट्रस्ट हो जाए। ओके यहाँ पर हम लोग इसे बैक कर देंगे। ये क्या है जानते हो, ये क्या है, ये जैसे हम लोग ऑटो पे करना चाहते हैं ना, मान लो कि हम भूल गए ऑटो पे सेट किए तो ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाता है, इसे हम सेट नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही रहने देंगे, हम लोग मैनुअली पेमेंट कर देंगे। हमें याद रहता है यार लोन लिए तो याद रहना जरूरी है। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा जो अमाउंट था वो अप्रूव हो चुका है, को रिफ्रेश कर दिया हूं। लोन में हमें 534 रुपये का लोन दिखा रहा है और 441 रुपये हमें मिल चुका है, ये यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। तो चलो मैं बैंक प्रूफ यहाँ पर आपको दिखाना चाहूंगा। तो देख सकते हो 441 रुपये हमें मिल चुका है और यहाँ पर जो 1 रुपये हमें देखने को मिल रहा है ये वेरिफिकेशन के लिए आता है, लोन ऐप की तरफ से 1 रुपये क्रेडिट किया गया है। ओके फिर 441 रुपये भी हमें मिल चुका है। तो इस तरह से अगर आपका सिविल अच्छा है या सिविल ना भी है, 700 से नीचे भी है, तो आपको इंस्टेंट 500 रुपये का तो लोन मिल ही जाएगा। आप लोग ट्राई करो, लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। नोटिफिकेशन में जाओगे तो देख सकते हो ऐप के अंदर नोटिफिकेशन में भी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 534 रुपये हमें पे करना है 2 महीने के अंदर, कैसे पे करना है ऑलरेडी मैं आपको वीडियो में बता दिया हूँ। और हाँ आप लोग इनवाइट में जाओ और रेफर कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, यहाँ पर इंटर प्रमोशन कोड का ऑप्शन मिलेगा, इसे ओपन करो, प्रमोशन कोड को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करो। ओके डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, देख सकते हो स्क्रीन पर भी आपको देखने को मिल रहा है। कोड इंटर करके अप्लाई कोड का बटन है, अप्लाई कोड पर क्लिक कर दो तो ये वर्किंग होगा और सक्सेसफुली यहाँ पर प्रमोशन कोड अप्लाई हो जाएगा। इससे फायदा ये होगा कि फ्री में आपको 100 रुपये मिलेगा, लेकिन ये 100 रुपये कब आपको मिलेगा, जब आप पहला पेमेंट कंप्लीट करोगे। मान लो कि आपने ऐप के द्वारा लोन ले लिया, लोन के बाद जो पहला रिपेमेंट करोगे उस पर आपको एक्स्ट्रा 100 रुपये मेरी तरफ से देखने को मिल जाएगा। तो जाओ फटाफट से प्रमोशन कोड को अप्लाई कर लो, इनवाइट में जाना, इंटर प्रमोशन कोड का ऑप्शन मिलेगा और प्रमोशन कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन से प्रमोशन कोड को अच्छे से यहाँ पर इंटर कर देना और अप्लाई कर देना तो आपको 100 रुपये बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और आप में से कितने सारे लोगों को अभी तक लोन मिल चुका है इस वीडियो की हेल्प से, मुझे नीचे कॉमेंट में जरूर बताना।